हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जो है समर्स के लिए बेस्ट फेस पैक। और ये फेस पैक मैंने अभी अभी लगा कर, मैं बाहर से आई थी तो बहुत ज़्यादा स्किन बहुत ही झुलसी हुई और बहुत ही ड्राई मतलब रफ हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत इचिंग वगैरह मुझे हो रही थी, जलन हो रही थी फेस पर। तो अब आप देख सकते हो मेरा फेस कितना अच्छा है। मैं लगा चुकी हूँ पहले, तो तभी मैंने आपके साथ शेयर करने का सोचा कि मैं चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है और आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, मतलब कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपकी स्किन डल है, डैमेज रहती है, अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल प्रोन है आपकी स्किन, तो हाइड्रेट करनी है। इससे ये पैक से आपकी स्किन हाइड्रेट होगी और आपकी जो ओपन पोर्स जो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग से ओपन हो गए होंगे ओपन पोर्स, तो वो श्रिंक भी हो जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा बेस्ट फेस पैक है और आपकी स्किन एकदम काम रहेगी, सूदिंग रहेगी, एकदम हाइड्रेट हो जाएगी और आपकी स्किन एकदम ठंडी ठंडी सी रहेगी। ये पैक बहुत ही अच्छा है गाइस, आप ट्रस्ट करके इस पैक को ज़रूर। तो फ्रेंड्स, इस पैक के लिए चाहिए हमें ये समर की, जब आप बहुत ज़्यादा गर्म से कहीं से आते हैं तो उस टाइम के लिए इसी तरह की ठंडी ठंडी कूल कूल चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो मैंने लिया है इसमें हाफ से भी हाफ कुकम्बर का जूस। कुकम्बर को मैंने छोटा छोटा काट लिया और मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया, और टमाटो को भी हाफ लिया था तो उसको भी मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के, और एलोवेरा लिया था। तीनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये उसका पेस्ट है। तो मैंने छिलके के साथ ही लिया था कुकम्बर को, तो ये बहुत ही अच्छा पैक बनेगा। और बहुत ज़्यादा जब धूप से आते हैं समर्स में, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है बाहर से और कूलिंग इफेक्ट चाहिए, तो हम लोग को इसी तरह के पैक लगा लेने चाहिए। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, स्किन आपको जितनी स्किन आपकी बहुत डैमेज हो रखी होगी वो भी ठीक हो जाएगी। और मैं इसमें ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी पाउडर, थोड़ा सा ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी मैं, बस सिर्फ इतना ही लूँगी। ये इतना ही मेरे लिए काफ़ी है क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो मैं सिर्फ इसके लिए ले रही हूँ कि थोड़ा बहुत जितना भी मेरे स्किन पर थोड़ी ऑयलीनेस आ गई होगी तो वो इससे कम हो जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा पैक है, आप जब इसको बनाएंगे तो एकदम से ठंडा तो लगेगा ही, आपकी स्किन एकदम रिफ्रेश हो जाएगी, हाइड्रेट तो होगी ही, क्योंकि मैं इसमें ले रही हूँ इसका, ये मैं ले रही हूँ ऑरेंज का एसेंशियल ऑयल ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो ऑरेंज जूस भी आप ले सकते हो, तो मैं ऑरेंज एसेंशियल ऑयल ले रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा ऑयल है, तो मेरी स्किन ड्राई है इसके लिए मैं ले रही हूँ। अगर आपको आपकी ऑयली स्किन है तो आप दही भी ले सकते हो, ऑरेंज जूस मत लीजिए, आप दही ले लीजिए। और आपकी अगर पिंपल्स हैं तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा, मैं सिर्फ इसमें 2 ड्रॉप ही डालूंगी, बस इतना ही काफ़ी है, 2-3 ड्रॉप ही डाला है मैंने। और ये आपकी स्किन को एकदम हाइड्रेट तो करेगा ही, आपकी स्किन को ठंडक भी देगा, आपकी स्किन जो डैमेज हो रखी होगी वो भी इससे सही हो जाएगी। तो चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं, बस इतना ही चीज़ें चाहिए हमें इस फेस पैक के लिए। चलिए मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। तो फिर चलिए मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। देखिए मेरी स्किन किस तरह की हो रखी है, बिल्कुल ड्राई सी हो रखी है और ऑयलीनेस की वजह से बिल्कुल मुरझा गई है। इससे आप जब ये पैक लगाएंगे आप तो एकदम से आपके स्किन मॉइस्ट तो हो ही जाएगी, लेकिन आपकी स्किन बिल्कुल चमकीली और चमक तो आ जाएगी बहुत ही ज़्यादा। आप इसको 15 से 20 मिनट्स के लिए आप लगा लीजिए, इस तरह हाथ से ही लगा लूँगी मैं।
और ये बहुत ही अच्छा काम करता है गाइज। मैं इसको कभी कभी जब पहले मुझे पता होता है तो मैं रात को ही बना पहले से ही बनाकर जाती हूँ, अपने घर से निकलती हूँ तब और फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये बहुत ही रिफ्रेश हो जाता है मेरा फेस एकदम बहुत ही अच्छा रहता है। और मैं इसको हैंड्स पर भी अप्लाई कर लूँगी बाद में, लेकिन पहले मैं अभी सिर्फ फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हमारे स्किन जितना भी मुझे स्वेटिंग हो रखी होगी हल्की फुल्की, जितनी भी स्वेटिंग हो रखी होगी तो मेरे स्किन के जो फेस के जो पोर्स हैं ओपन पोर्स वो ओपन हो गए होंगे, तो इसलिए मैंने कोकम्बर डाला है। कोकम्बर से मेरे जो पोर्स होंगे ओपन हो रखे होंगे तो वो भी इससे छोटे हो जाएंगे, और ये थोड़ा सा गिरेगा इसलिए थोड़ा आप केयरफुली इसको पुराने मतलब जो कपड़े आप पुराने कपड़े ही पहन लीजिए। इसका जूस बहुत ही अच्छा है, और जितनी टैनिंग हो रखी होगी तो मैंने टमाटो डाला है, और आपकी स्किन में एलोवेरा मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हमारी मेरी जो स्किन है वो हाइड्रेट हो जाए, और जितनी भी मेरी स्किन में जो भी प्रॉब्लम हो रखी होगी तो वो इससे ठीक हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको डाला है। तो और भी इसको इसी तरह से अप्लाई कर ले रही हूँ, देखिए मैंने ऐसे लगा ले रही हूँ, बिल्कुल पूरे फेस पर लगा लूँगी मैं। मैंने मुल्तानी मिट्टी ज़्यादा नहीं डाली है, अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑयली फेस है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रखी होती है आपको बाहर धूप से, तो आप मुल्तानी मिट्टी ज़्यादा डाल लीजिए। अगर आपकी ऑयलीनेस ज़्यादा रहती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो फ्रेंड्स मैंने वॉश कर लिया है 20 से 25 मिनट बाद। सिर्फ देखिए मेरा फेस कितना अच्छा हो गया है, आप खुद भी देख सकते हो, ये देखिए। तो ये बहुत ही अच्छा पैक है, आपके जो स्किन के ओपन पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, और आप पिंपल हैं आपके तो वो भी आपके धीरे धीरे दब जाएंगे और उनको भी ठंडक मिलेगी। तो इस तरह से आप इस पैक को लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा पैक है, आप इसको बनाइए और ज़रूर लगाइए। तो चलिए मैं अभी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने इस पैक को कैसे बनाया है, कैसे यूज़ करना है आपको। अगर मेरा आपको थोड़ा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा है इस धूप में इस गर्मी के लिए, तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को क्या मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़, और आप लोग दूसरों को भी पता चलना चाहिए ना कि आप कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप देख रहे हो और समझ रहे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बात हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ये
जो भी मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो लेकिन ये फेस पैक आप ज़रूर लगाइएगा गाइस, और बहुत ही अच्छा हो जाता है इससे आपका फेस। और आप को अगर आप ज़्यादातर तो आप ऐसा कीजिए कि आप लोगों को बिल्कुल स्लीवलेस पहनकर नहीं जाना है बाहर इतनी गर्मी में, आप हमेशा फुल स्लीव के ही पहनिए। कोशिश कीजिए कि फुल स्लीव्स ही पहने, चाहे आप एसी वाली गाड़ी में जा रहे हैं या फिर आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ एसी लगाएं तो भी आप फुल ही पहनिए। समर्स के समय फुल स्लीव्स मस्ट, बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप लोगों को मेरी ये एडवाइस अच्छी लगे तो प्लीज़ मान लीजिएगा, और नहीं अच्छी लगे तो ये आपके ऊपर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि फुल स्लीव्स के ही पहनूँ, और फुल स्लीव्स के ही पहनने के बावजूद भी मैं हमेशा जो पैक मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ, मैं अप्लाई अपने हैंड्स पर भी करती हूँ, अपने जो मेरे पंजे होते हैं मैं उन पर भी अप्लाई करती हूँ। बस जो एरिया मेरा खुला होता है मैं, और हमेशा कॉलर वाले गला पहनती हूँ, नेक वाला जो कॉलर नेक होती है, जिसकी मैं वही चीज़ें ज़्यादा पहनती हूँ, क्योंकि मेरा इतना तक ढका रहे, कवर इतना होना चाहिए, फिर इतना सा तो चलता है, और फिर मैं अपना ट्रीटमेंट करती रहती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बात हो जाती है, चलिए फ्रेंड्स बाय। अगर मेरा थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा वो भी ज़रूर हिट कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है। तो आप ये प्लीज़ तीनों चीज़ें करिए, बहुत कुछ भी आपका नहीं लगेगा, सिर्फ आपका टाइम लगना है और आपके लिए बेस्ट है। बाय।